करौली जिले के एक दिवसीय प्रवास पर आए हुए मध्य प्रदेश शासन के उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला, मंत्री लोक स्वतंत्र एवं चिकित्सा शिक्षा श्रीमती राधा सिंह, राज्य मंत्री, मध्य प्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग सहित विधायक गणों के द्वारा जिला चिकित्सालय शहर ट्रामा सेंटर का निरीक्षण किया गया। वहीं मुख्य स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी को जिला चिकित्सालय के स्वास्थ्य सुविधाओं के बेहतर बनाने के निर्देश भी दिए गए। वहीं जिला चिकित्सालय में चिकित्सकों के साथ एक बैठक का आयोजन कर तकरीबन 200 बेड के नवीन क्रिटिकल केयर यूनिट के निर्माण कार्य के प्राप्ति के संबंधित जानकारी भी ली गई। क्रिटिकल केयर यूनिट का निर्माण, जमीन की उपलब्धता और कहाँ पे बनेगा ये अनिश्चितता थी, इसके कारण शुरू नहीं हो पा रहा था। वही मैं देखने आया था कि टॉप फ्लोर में क्रिटिकल केयर यूनिट का निर्माण किया जा सकता है। इसकी ड्राइंग डिज़ाइन जैसे ही मंजूर होगी, जल्दी से जल्दी मंजूर करने के लिए मैंने बोला है। ऊपर क्रिटिकल केयर यूनिट बनेगा जिसमें 50 ICU रहेंगे और 100 बेड की और अतिरिक्त से व्यवस्था रहेगी, तो ये एक अतिरिक्त सुविधा यहाँ पर मिलेगी। मंत्री जी, साथ ही 200 बेड के जिला अस्पताल का विस्तार भी किया जाना है, वो भी टेंडर जल्दी होगा और उसका भी काम शुरू होगा, तो कुल मिला के 500 बेड यहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगे। मेडिकल कॉलेज जो बन रहा है, किसी सत्र में उसको शुरू करने की योजना है, तो मेडिकल कॉलेज जब शुरू होता है तो कोई ना कोई अस्पताल कम से कम 500 बेड का होना चाहिए, तो उस दृष्टि से ये भी तैयार हो जाएगा। तो सिंगरौली की जो एक बहुत पुरानी मांग रही है कि यहाँ पर मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, वो विधिवत संचालित हो सके। सर, यहाँ पर लेबर रूम में भ्रष्टाचार का बेड है, पैसे 10,000-15,000 लिए जाते हैं डिलीवरी के लिए, ऑपरेशन के लिए। दूसरी बात ये है कि इमरजेंसी अस्पताल में रेफर कर दिए जाते हैं, प्राइवेट अस्पतालों में डॉक्टर नहीं रहते हैं, तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हैं। यहाँ से आयुष्मान कार्ड से प्रधानमंत्री मोदी जी ने गरीब से गरीब आदमी बड़े से बड़े अस्पताल में इलाज करा सके, और सरकारी अस्पतालों में तो दवाई से लेकर तमाम तरह की चीज़ें मुफ्त में हैं। मुफ्त में इलाज करने की प्राइवेट अस्पतालों में भी और सरकारी में भी जो व्यवस्था मोदी जी की सरकार ने की है और डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार उसको आगे बढ़ा रही है, ये अभूतपूर्व है। इसके पहले गरीब आदमी को मुफ्त में इलाज का इतना बड़ा काम इसके पहले देखने को नहीं मिलता था। यहाँ जो सरकारी डॉक्टर हैं वो प्राइवेट पैरेलल में प्राइवेट अस्पताल चला रहे हैं, लगभग सभी डॉक्टर जांच करेंगे कि सरकारी अस्पताल अपने ड्यूटी टाइम में यदि प्राइवेट अस्पतालों में जाते हैं तो उनको चिन्हित करके और जो आवश्यक कार्रवाई होगी की जाएगी। यहाँ एक मिनट, लाइसेंस भी नहीं है, क्लिनिक खुले हुए हैं। मेडिकल बेस के लाइसेंस का भी देखिए क्या है, ये सारे पॉइंट जो बताए जा रहे हैं महत्वपूर्ण है। इसमें जो बताए जा रहे हैं पूरे तरह सही है इसको नहीं मानते, लेकिन यदि कोई पॉइंट फ्लैग हो रहा है तो उसकी जांच और उसकी तहकीकात करना बहुत जरूरी है। अस्पताल में नियमित रूप से सिविल सर्जन यहाँ पे नहीं है, जरूरी है, पहली बात। उसके बारे में व्यवस्था हो रही है। सर, एक लास्ट सवाल, CSR और DMF का पैसा सर स्थानीय स्तर पर नहीं खर्च हो रहे, बहुत लोगों को समस्याएं होती है, प्रदूषण है, तमाम ऐसी चीजें हैं जो स्थानीय स्तर पर हो सके तो बहुत बड़ा लाभ हो जाएगा। DMF का पैसा मैंने, मुझे याद है जब मैं यहाँ प्रभारी मंत्री था तो कौन सा इलाका चित्रकी का जी बगदरा में ना तो बिजली थी ना खंभा कोई डाल सकता था, उसको फॉरेस्ट से डाइवर्ट करा के एक साथ हमने 50-60 करोड़ रुपए सेंक्शन करके पूरे इलाके में विकास की रोशनी पहली बार पहुंचाई थी। सड़कें बनी, बिजली के खंभे गड़े, पानी हुआ, हैंडपम्प हुआ उस इलाके में जहां पे वन विभाग वाले कुछ करने नहीं देते थे। ये जो आपकी कौन सा मोड़ है वो परसोना मोड़ तक से लेके और वहां तक फोर लेन की शानदार सड़क बनी, आपने देखा बीच में खंभे लगे हुए हैं, डिवाइडर बना हुआ है। और सिंगरौली में यदि मूलभूत आवश्यकता की कमी है तो इसका मतलब कि DMF का पैसा होते हुए यदि कमी है तो हमारी कमजोरी है, तो हम उसको दूर करें। उम्मीद है सर कि कुछ अच्छा हो जाए और रोजगार में भी एक भ्रष्टाचार हो रहा है सर, उन सब चीज़ों पर भी ध्यान देना। भ्रष्टाचार चाहे जहाँ हो जी उसको जीरो टॉलरेंस करना है और जो करेगा वो भोगेगा। सीधी सिंगरौली NH हाईवे को आपने कहा था कि 15 फरवरी तक 2 लेन चालू हो जाएगी।